हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक अगेन। तो आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, और इस पार्सल मेरे हाथ में देख सकते हैं आप, और मैं बताता हूँ क्या है। पहले ओपन करते हैं इसको, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। तो लेट्स गो, करते हैं शुरू। तो भाई एक नंबर चीज है, भाई एक नंबर। देखना चाहते हैं आप तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना यार, कमेंट कर दिया करो। कमेंट करके ऐसा होता है कि थोड़ा हौसला रहता है बंदे को। तो चलो मैं बताता हूँ क्या है, ये निकाल देता हूँ इसको। तो भाई दिस इज हेलमेट, करता हूँ इसको ओपन। और ये रहा हमारा हेलमेट, मैंने हेलमेट मंगवाया था, मतलब ये है स्टील वर्ल्ड का S3। इनवॉइस दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा भी। पहले जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वही कर लेते हैं। तो भाई ओपन करते हैं इसको। तो भाई दिस इज भाई नई हेलमेट की जो फील आती है ना, एक नंबर भाई। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। मैं पहन के भी दिखाऊंगा आपको, पहले आप देख लो। हाँ, ये है रोबोट सीरीज करके है, ये है इसका इनवॉइस। बाकी मैं हेलमेट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, पहले मैं इनवॉइस दिखा देता हूँ आपको। तो दिखाओ इनको, ये इनवॉइस पढ़ लो आप। ये है स्टील वर्ड SBH-17 टर्मिनेटर फुल फेस ग्राफिक हेलमेट इन मैट फिनिश विद क्लियर वाइजर। साइज इसका M है, और ये इसका रेट है 1759 रुपीज़, मतलब 1800 का पड़ा मेरे को। जो भी डिलीवरी चार्जेस थोड़े बहुत लगे हैं जो भी कुछ भी है, 1800 रुपये का लगा हेलमेट पूरा। और तो इसमें कलर एक ये है, दो तीन कलर हैं, आ जाएंगे आपको स्क्रीन पे, दो तीन मतलब हाँ देख लेना आप स्क्रीन पे आ जाएंगे कलर। बाकी अब करते हैं बात हेलमेट के बारे में। तो भाई पहले तो हेलमेट लाइट वेट है, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्वालिटी एक नंबर है इसकी। तो भाई ये हेलमेट पूरा एरोडायनामिक है, मतलब हवा की जो कटिंग है इसके हेलमेट के, वो एक नंबर है भाई। और लाइट वेट है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। और बात रही इसकी पैडिंग की, तो भाई इसमें आती है टिच, देख दिखा सकते हैं आप, ये देखो ऐसे बटन आते हैं इस पर, और पूरी पैडिंग निकल जाती है आराम से। वॉशेबल पैडिंग है, वॉश कर सकते हैं आप। और पैडिंग इसकी बिल्कुल ही नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इन द सेंस, मेरा बोलने का मतलब नॉर्मल का ये नहीं है कि भाई बेकार क्वालिटी है, नहीं, नॉर्मल मतलब स्टफ इसका एक नंबर है, मतलब हल्की क्या बोलते हैं उसको यार, सैल क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट है, मतलब आपको कोई फील नहीं होगी, इचिंग वगैरह कुछ नहीं फील नहीं होगा। और बाकी मैं बता देता हूँ आपको इसमें, मतलब जैसे कि ये है हमारा, जैसे कि आप ये बटन देख रहे हैं, ये जो है इससे ओपन होता है हेलमेट, आप चढ़ाएंगे इसको, जैसे ये चढ़ गया और यहाँ से आप ओपन, ही ऐसे होगा, अगर आप ज़बरदस्ती ओपन करेंगे तो ख़राब होता है हेलमेट, ये पॉइंट नोट करना चाहिए आपको, और करें। और बाकी इसका वाइजर मिल जाता है, डिफरेंट आप ऑनलाइन भी वाइजर देख सकते हैं, और इसके साथ भी आता है वाइजर, मतलब इसके साथ नहीं आया, तो इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, वाइजर निकल जाता है। ये अलग है वाइजर, मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको, ये अलग है, यहाँ से ओपन होता है दोनों साइड से, ये दूसरी साइड है, और वाइजर लग जाता है ये, मतलब अगर आप विदाउट वाइजर वाला लेंगे तो आपको नॉर्मल ऐसा आएगा मिरर। अगर आपको दोनों वाइजर चाहिए होंगे तो वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों चाहिए या फिर सिंगल चाहिए, ये आपके ऊपर है। बाकी मैं आपको इसकी लॉक के बारे में बता देता हूँ, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और अच्छी क्वालिटी स्टील बॉडी की तो अच्छी क्वालिटी होती है, देख सकते हैं आप, नॉर्मल अच्छा और इजी, और मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी ना, जैसे आते आज का हेलमेट और डबल ऑफ ये वो कुछ नहीं, एकदम ऑसम। तो बाकी ग्राफिक्स भी इसके एक नंबर है, देख सकते हैं आप। तो अब मैं पहन के दिखा देता हूँ आपको ये कैसा लगता है। तो भाई देख सकते हैं आप, कि मैं दिखा देता हूँ चारों तरफ से घूम के ये, और देख सकते हैं आप, देखने में भी एक नंबर लगता है। तो
बाकी चलो उतारते हैं हेलमेट को अब। तो भाई मैंने आपको हेलमेट दिखा दिया, जैसे कि ये रहा, फिर से देख लो ये, तो एक नंबर हेलमेट है, क्वालिटी एक नंबर, और डिज़ाइन भी अच्छा है, और वेट भी लाइट वेट है, प्राइस भी अच्छा है। मतलब आपको 2,000 के नीचे इससे अच्छा हेलमेट नहीं मिलेगा, जो जहाँ तक मेरे को पता है, जितना मैंने ढूंढा, ये इस हेलमेट से अच्छा कोई हेलमेट नहीं मिलेगा। तो बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्राइस्ड, बजट बजट में आ जाता है, अच्छा अच्छा हेलमेट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसका रिव्यू भी आएगा जल्दी, मैं बता दूंगा आपको। तो मिलेंगे दोबारा किसी नई वीडियो में।